चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करें क्या? हाँ सर। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। यस, आपको ब्लैक बोर्ड पे कुछ दिख रहा या ग्रीन बोर्ड पे कुछ दिख रहा है आपको? हाँ सर। हाँ, तो आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक डायग्राम निकाली हुई है जो हम किसको पढ़ना है। उससे पहले हमारा एक पॉइंट रह गया था जो केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का था, उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। फिर मैंने आपको बोला था कि आपको इजी से, आपको अगर कोई भी चीज समझना है मैं आपको एक फ्लो चार्ट भी दूंगा, वो भी हम कर लेंगे बाद में। ये वाला पूरा ये जो मैंने कुछ यहाँ पर बखेड़ा करके रख दिया है इसको समझ लेंगे, ठीक है? चलो हाँ स्टार्ट करें फिर। हाँ, देखो मैंने आपको नोट्स भी दिए दिए थे प्रीवियस इसमें, तो आपने वो नोट्स अच्छे से लिख लिए हैं फर्स्ट तो? हाँ सर। वहां पर हमारा एक पॉइंट रह गया था, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल। तो उससे पहले हमने जो कुसरवेट्स देखा था यानी कि प्रोटोबायंट्स देखा था, यानी कि फर्स्ट सेल जिसको हमने क्या बोला था, फर्स्ट सेल बोला था। तो अब वो सेल बन गया था क्योंकि वो पहले कैसा था, हाइड्रोफोबिक था यानी कि वाटर लविंग नहीं था, वाटर का हेट कर रहा था। उसके बाद उसका उसका डिवाइडेशन हो गया टू डॉटर सेल में, तो उसने क्या करना चालू कर दिया, वाटर को लविंग करना चालू कर दिया। तो ऐसे माना जाता है कि फर्स्ट जो हमारी लाइफ का जो इवोल्यूशन हुआ किसमें हुआ है, किसमें हुआ होगा, तो वाटर में, किसमें हुआ होगा, वाटर में। तो अब हमारा सेल बन गया था जिसको हमने कोसरवेट्स बोला था, क्या बोला था, फर्स्ट सेल, उसको हमने क्या बोला था, कोसरवेट्स बोला था ना। यस, याद है ना आपको वर्ड्स, कोसरवेट्स। हाँ सर। तो देखो, तो फिर जो हमारा कोसरवेट्स बन गया तो उसको हमने क्या बोल दिया, फर्स्ट सेल बोल दिया। तो अब देखो फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल, अगर सेल है तो सेल के अंदर हमको क्या होना चाहिए रे, अगर सेल है तो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होना चाहिए ना सेल में। आरएनए भी होना चाहिए। यही तो क्या होते हैं किसी भी सिचुएशन को या आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आरएनए। अगर सेल है, अगर हमारी बॉडी है, अगर हमको जीना है, अगर सेल को जीना है तो क्या करना पड़ेगा, जीना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्टिविटीज करना पड़ेगा ना उसको, अगर जीना है हमको। अगर हम इंसान है, हमने कुछ काम नहीं किया तो बिना काम के या बिना कुछ खाए हम जिंदा रह सकते हैं क्या? यस सर। अगर हमने घर में कमाया ही नहीं, हम ओनली घर पर बैठे रहे, देगा हरी पलंगा भरी, अगर ऐसी बातें हम करते रहे तो क्या हम कुछ खा पाएंगे या पी पाएंगे, पाएंगे क्या बिगड़ कमाई हुई? हमको क्या पड़ेगा, देगा हरी पलंगावरी नहीं करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो अगर इस सेल को जीवित रहना है या कोई भी अगर चीज करना है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो ये कौन सा काम करेगा, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा। यू नो मेटाबॉलिज्म, पता है ना आपको मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हाँ सर। पता है क्या होता है मेटाबॉलिज्म? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कुछ तो ब्रेकडाउन होता है और कुछ तो मेकिंग होता है, यानी कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो उसको ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, उसी से जाके हमको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, यानी एनर्जी मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। यही हमने पढ़ा था। अगर इस सेल को, अगर हमने मान लिया कि हमारा सेल बन गया तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, डीएनए आरएनए के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, और उसको क्या करना चाहिए, अगर उसको जीवित रहना है उस सेल को, तो उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी करना चाहिए। कुछ तो उसको क्या करना पड़ेगा चाहिए, कुछ तो लेना पड़ेगा या कुछ तो देना पड़ेगा, ऐसी चीज उसको करना चाहिए। यानी कि ये जो सेल है ना, इसको क्या करना चाहिए फाइनली, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जीने की। हमको भी सेम सिचुएशन है, अगर हम इंसान है तो हमारे बॉडी में के अंदर अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है तो वो नेचुरली डेड माना जाता है। क्या माना जाता है, नेचुरली डेड माना जाता है। वही सिचुएशन, अगर सेल को अगर जिंदा रहना है तो उसको भी क्या करना पड़ता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करना पड़ता है। तो फिर जो हमारा फर्स्ट सेल बना, इस सब में, उस सेल में, अगर ये हमारा सेल है जो हमने प्रोटोबायंट्स बोला था या कोसरवेट्स बोला था, कोसरवेट्स का कन्वर्शन प्रोटोबायंट्स का, यानी कि फर्स्ट सेल हमारा बन गया था जो कैसा था, लिविंग, नॉन लिविंग से लिविंग बन गया था। तब इसने क्या करना चालू कर दिया, इसके बॉडी के अंदर डीएनए के मॉलिक्यूल्स, आरएनए के मॉलिक्यूल्स, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो बायोकेमिकल्स भी इसके अंदर जो हमारे क्या होते हैं,
यूरिक एसिड या ऐसे लैक्टिक एसिड जो भी सिचुएशन हमको देखने को मिलेगी, तो फर्स्ट टाइम हमको किसमें देखने को मिलेगी, सेल में देखने को मिली। तो इसी से ऐसे माना गया था कि हाँ हम जो इवॉल्व हुए है या हमारी उत्पत्ति पहले क्या हुआ था बताओ, सबसे पहले क्या हुआ था? ओरिजिन ऑफ लाइफ। ए गधे, सबसे पहला ओरिजिन ऑफ अर्थ। यस, क्या हुआ था? ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ था तो उससे, ओरिजिन ऑफ अर्थ से पहले क्या हुआ था? सबसे पहले फर्स्ट वाली चीज में बात कर रहा हूं। क्या हुआ था? जिसमें केमिकल रिएक्शन हुआ था ओवर अ लॉन्ग। चलो, सबसे पहले तो बिग बैंग हुआ था। क्या हुआ था? सबसे पहले बिग बैंग। बिग बैंग यानी कि क्या हुआ था? टाइटैनिक एक्सप्लोजन हुआ था ना, टाइटैनिक एक्सप्लोजन, यानी कि जो बिग बैंग थ्योरी में जो दो पत्थर थे आपस में टकरा गए थे, हो गए थे ना। हाँ सर। तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? फर्स्ट से। तो सबसे पहले क्या हुई थी? बिग बैंग हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? टाइटैनिक एक्सप्लोजन हुआ था। क्या हुआ था? टाइटैनिक एक्सप्लोजन। इस टाइटैनिक एक्सप्लोजन में ऐसा बवंडर या ऐसा विस्फोट हुआ था जिससे हमको क्या देखने को मिला? नेबुला देखने को मिला। मिला कि नहीं नेबुला? हाँ। तो इस नेबुला में हमको कौन से पार्टिकल्स दिखे? हेवी पार्टिकल्स यानी कि मेटल दिखाई दिए, और क्या दिखाई दिए? गैसेस दिखाई दिए। हाँ कि ना, बोलते जाओ ना। हाँ सर। हाँ, तो नेबुला में हमको क्या देखने को मिले? मेटल्स एंड गैसेस देखने को मिले। अब ये जो मेटल्स थे वो कहां पर चले गए? मेटल्स का क्या बन गया? कोर बन गया, यानी कि हार्ड कवरिंग बन गया। मेटल्स का क्या बन गया? कोर बन गया। और गैसेस का क्या बन गया? जो ऊपर के ऊपर रह गए, तो उसका क्या, उससे क्या बन गया हमारा? क्लाउड्स बन गए ना गैसेस से। हाँ। बाकी लोगों को समझ में आ रहा क्या गर्ल्स? हाँ सर। अगर आपने इस चार्ट को अगर अच्छे से आपने अगर पढ़ लिया है तो आपको पूरा मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ये चार्ट आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, मैंने अपने खुद से मन आपको समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको। तो प्रत्येक वर्ष की तरफ ध्यान दो, हर एक वर्ष की तरफ देखो। सबसे पहले फ्लो चार्ट में क्या हुआ था? जब हम लाइफ इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, सबसे पहले क्या हुआ था? बिग बैंग हुआ था। उससे क्या हुआ था? टाइटैनिक एक्सप्लोजन। बिग बैंग में क्या हुआ था? टाइटैनिक एक्सप्लोजन, यानी कि टू पत्थर आपस में क्या गए थे? टकरा गए थे। तो उससे इतना बड़ा विस्फोट हुआ था जो कि कैसे चला था? लॉन्ग पीरियड तक। कैसे चला था? लॉन्ग टाइम एगो तक चला था। तो उसमें हमको क्या देखने को मिला? नेबुला देखने को मिला, यानी कि ऐसा बवंडर देखने को मिला कि जिस बवंडर के अंदर क्या थे? कुछ मेटल्स थे एंड कुछ गैसियस थे। यहां तक समझ में आ गया आपको? हाँ सर। जो ये जो कुछ मेटल्स थे उस बवंडर में या कुछ गैसेस थे, तो मेटल कैसे होते हैं? हेवी होते हैं। कैसे होते हैं? हेवी होते हैं। और गैसेस कैसे होते हैं? लाइटर होती है। कैसे होती है? लाइटर होती है। तो इस मेटल जो नेबुला के अंदर जो मेटल्स थे वो उससे क्या बन गए? कोर बन गए। और जो गैसेस थे उससे क्या बन गया? क्लाउड्स बन गया। यानी कि जो कोर एंड क्लाउड्स थे उससे हमको क्या बोल सकते हैं? एटमोस्फियर। दोनों मिलाकर क्या होता है? एटमॉस्फियर। तो जब देखो इस मेटल एंड गैस था तो उससे हमको क्या देखने को मिला रे? यूनिवर्स फॉर्मेशन देखने को मिला यूनिवर्स का फॉर्मेशन ऐसे ही हुआ ना। जहां पर मेटल थे, मेटल कोर के अंदर चले गए, और गैसेस जो आसमान के अंदर चली, यानी कि ऊपर ऊपर रह गई, तो उससे हमारा क्या बन गया? यूनिवर्स। फिर यूनिवर्स में गैलेक्सीज और जो जो बकेट हम पढ़ रहे थे वही सब हमको किसमें देखने को मिला?
इस नेबुला के आफ्टर नेबुला के बाद देखने को मिला। तो फिर अगर हम अर्थ की अगर बात की जाए तो मेटल के कोर यानी कि सभी प्लैनेट में हमारे प्लैनेट भी बन गए थे, तो कोर में चले गए मेटल्स और गैसेस क्या हो गए, फ्लोट रहती रह गई, तो उससे क्या बन गया, क्लाउड्स बन गया। इन दोनों को मिलाकर हमको क्या देखने को मिला, एटमॉस्फेयर। यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। जब 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 ये सब चीजें हो रही थी तो वहां का टेम्परेचर कैसे था, हॉट था। टेम्परेचर कैसे था, हॉट था। लेकिन कुछ समय बाद वो टेम्परेचर कैसे होते गया, कूल होते गया। कैसे होते गया, कूल होते गया। तो जैसे जैसे वो कूल होते गए तो आपको किसका फॉर्मेशन देखने को मिला, वाटर, अमोनिया, और किसका फॉर्मेशन देखने को मिला, किसका फॉर्मेशन देखने को मिला, मिला वाटर, अमोनिया एंड मीथेन का फॉर्मेशन देखने को मिला। किसका फॉर्मेशन देखने को मिला, वाटर, अमोनिया एंड मीथेन का फॉर्मेशन देखने को मिला। तो वही वाटर, अब वाटर और ये अमोनिया और ये जो मीथेन था वो उससे क्या बनना चालू हुआ, फिर वाटर से टेम्परेचर कैसे हो गया, कूल हो गया। कूल होने के कारण आपने अगर देखा है, अभी ये भी नहीं है, देखो मैंने आपको बोला था साइकिल, वाटर साइकिल कैसे होती है, ऐसे होती है हमारी वाटर साइकिल। क्या होंगे, सन की रेस से अगर यहाँ पर ओशियन है तो ओशियन में क्या होगा, रेत जब आएंगे तो ये पानी कैसे हो जाएगा, बाइल हो, गर्म हो जाएगा, तो उससे क्या बनती है, भाप बनती है। क्या बनती है, भाप बनती है। तो भाप एक कहां पर चली जाएगी, आसमान में चली जाएगी, तो क्या बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे। जब ये क्लाउड्स गर्म होते हैं, जब ये क्लाउड्स गर्म होते हैं तब तक बारिश नहीं होती। जब जैसे ये क्लाउड्स क्या हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, तो बारिश क्या होगी, नीचे आने लगेगी। तो सेम सिचुएशन, पहले तो टेम्परेचर कैसे था, हॉट था, सॉरी हाँ। तो देखो पहले क्या हुआ था, फिर जब रेज कहां पर आएंगे, ओशियन के अंदर आएंगे, तो यहां पर जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, और उससे क्या बनेंगे, वाटर वेपर्स बनेंगे। वाटर वेपर्स आसमान में चले जाएंगे, यहाँ पर वो क्या, किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो क्लाउड्स जब कूल हो जाएंगे तभी क्या हो जाएंगी, बारिश हो जाएंगी। तो सेम सिचुएशन कंटिन्यूसली होते रहता है, इस कंटिन्यूसली होते रहता है। तो सेम सिचुएशन, पहले यहाँ पर किसका फॉर्मेशन देखने को मिला, वाटर, अमोनिया एंड मीथेन। जब एक गर्म था टेम्परेचर, उस टाइप का एटमॉस्फेयर गर्म था, जैसे जैसे वो कूल होने लगा तो इस वाटर का कन्वर्शन किस में हमको देखने को मिला, रेनफॉल में देखने को मिला, रेनफॉल देखने को मिला। तो यहाँ पर जो रेनफॉल था वो कैसे था, एसिडिक था। कैसा रेनफॉल था वो, एसिडिक, क्योंकि इसमें जो सबसे ज्यादा जो मात्रा थी ना, किसकी थी, नाइट्रोजन की, इसकी थी नाइट्रोजन की, नहीं, इस नाइट्रोजन की वजह से या सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से क्या हुआ, हमको रेनफॉल देखने को मिला। तो इस रेनफॉल की वजह से हमको किसका फॉर्मेशन देखने को मिला इन अर्थ में, तो किसका, रिवर, स्ट्रीम एंड लेक का फॉर्मेशन देखने को, किसका फॉर्मेशन देखने को मिला, रेनफॉल हुआ। जब टेम्परेचर कूल होते गया तो रेनफॉल हुआ, तो कैसा रेनफॉल था, एसिडिक रेनफॉल था, जिसको हम एसिड रेन वगैरह बोल सकते हैं। तो उससे उस इतना रेनफॉल था कि उससे क्या बन गए, रिवर, स्ट्रीम एंड लेक का हमको फॉर्मेशन देखने को मिला। यहां तक समझ में आया? हाँ सर। सभी को? हाँ सर। हाँ सर, इसकी पिक भेजिए ना, ब्लर आ रहा है। पिक भेजू इसकी? हाँ सर।
ओके मैं इसकी पीक निकाल लेता हूँ, बाद में आपको मैं सेंड कर दूंगा। ओके अब देख स्ट्रीम एंड लेक का फॉर्मेशन देखने को मिला। उसके बाद जब इस स्ट्रीम एंड लेक में कुछ ऐसे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देखने को मिले, किसमें? स्ट्रीम एंड लेक में। मैं इसके एरो करके ऊपर लिख लेता हूं। क्या देखने को मिले? सिंपल ऑर्गेनिक निक मॉलिक्यूल, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देखने को मिले, जिसमें क्या थे हमारे जैसे अमीनो एसिड्स। हाँ, जब ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ तो उससे पहले क्या हुआ था? ये स्ट्रीम एंड जो लेक बन गए थे उस टाइम वहां पर कौन सी लेयर प्रेजेंट नहीं थी रे? ओजोन लेयर। कौन सी लेयर प्रेजेंट नहीं थी? ओजोन लेयर प्रेजेंट नहीं थी। तो इस ओजोन लेयर के कारण कौन से रेज? अल्ट्रावायलेट रेज। लेफ्ट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज सीधे धरती के ऊपर आ रहे थे, तो उससे ऐसे माना जाता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज थे उससे ही हमारे क्या बन गए? फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए, जिसको हम बोलते हैं जैसे अमीनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स, एक्सेट्रा। जगह नहीं तो मैं इतनी लिख देता हूं, आप समझ सकते हो। फिर क्या बन गए? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए। अब इस सिंपल ऑर्गेनिक जैसे ये मॉलिक्यूल्स बन गए, इसका कन्वर्शन फिर किसमें हो गया रे? ये जो सिंपल थे यानी कि सिंगल सिंगल थे। तो अब इसने क्या किसका फॉर्मेशन करना चालू कर दिया? सिंपल का कन्वर्शन कॉम्प्लेक्स ने चालू कर दिया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यहां पर सिंपल थे तो यहां पर आप लिख सकते हो सिंगल सिंगल। तो फिर एक कॉम्प्लेक्स कैसे बन गए? यानी कि क्या किसमें आ गए? ग्रुप फॉर्म में आ गए। तो फिर उन्होंने क्या करना चालू कर दिया? जैसे मोनोसैकेराइड था उसका क्या बन गया? पॉलीसैकेराइड बन गया। और मान सकते हो प्यूरीन पायरिमिडिन जो हमारे डीएनए एनआरएनए थे, ऐसे भी लिख सकते हो न्यूक्लिक एसिड का हमको क्या देखने को मिला? फॉर्मेशन देखने को मिला। इसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के, तो जहां पर सब क्या आ गए? इसमें आ गए ग्रुप में आ गए। तो अब जैसे ये ग्रुप में आए तो इनका कन्वर्शन फिर किसमें हो गया? जहां पर हमको फर्स्ट सेल देखने को मिला। क्या देखने को मिला? फर्स्ट सेल देखने को मिला, तो जिसको हमने क्या बोला? प्रोटोबायंट्स बोला जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट सेल, या जिसको एक दूसरा भी नाम है प्रो सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रो सेल, प्रोटोबायंट्स। ये प्रोटोबायंट्स था वो किससे फॉर्म हुआ था? जिसको हमने नाम दिया था कोसर्वेट्स, दिया था कि नहीं? हाँ सर। हाँ, इससे फॉर्म हुआ था, ये कोसर्वेट्स से क्या हुआ था? फॉर्म हुआ था। तो एक कोसर्वेट्स पहले कैसे था? कोसर्वेट्स नॉन लिविंग, जिसको हमने बोला था हाइड्रोफोबिक,
हाइड्रोफोबिक, जो वाटर से क्या कर रहा था, हीट कर रहा था। फिर कुछ समय बाद जैसे जैसे समय निकलता गया तो फिर कैसे बन गया, लिविंग बन गया। कैसे बन गया, लिविंग बन गया, तो फिर कैसे बन गया, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक बन गया। क्या बन गया, हाइड्रोफिलिक बन गया। हाइड्रोफिलिक के बाद जब ये हाइड्रोफिलिक बन गया तो उसने क्या कर दिया, वाटर को लविंग करना चालू कर दिया। इसके भी पिक निकालू क्या मैं? हाँ सर। ओके, हाँ, तो फिर एक कैसे बन गया, वाटर लविंग बन गया। उसने वाटर को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया अपने बॉडी के अंदर। तो फिर जैसे उसने वाटर को एब्जॉर्ब करना चालू कर दिया तो फिर हमको कौन सी सिचुएशन देखने को मिली, न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन देखने को मिला। देखने को मिला फॉर्मेशन ऑफ मिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अगर किसी भी सेल को अगर जिंदा रहना है तो उसके बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए, न्यूक्लिक एसिड, यानी किसका फॉर्मेशन, डीएनए एंड आरएनए का फॉर्मेशन देखने को, किसका फॉर्मेशन देखने को मिला, डीएनए एंड आरएनए। जब ये डीएनए का फॉर्मेशन फाइनलाइज्ड हुआ, यानी कि हमने सेल में देखा तो हमको फर्स्ट मैच्योर सेल देखने को मिला, जिसको हम बोल सकते हैं कि यही सेल हमारे बॉडी का फर्स्ट सेल था, जो किसके अंदर देखने को मिला हमको, वाटर का अंदर, किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो फिर इसने क्या करना शुरू किया, जो फर्स्ट सेल था वो क्या क्या कर रहा था, मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेप्लिकेशन भी कर रहा था ये अपने अंदर, क्योंकि अगर डीएनए आरएनए के मॉलिक्यूल से वो क्या करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं, अगर इसको जिंदा रहना है तो ऐसा हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट था जो हमने फ्लो चार्ट की वजह से सॉल्व किया। तो आपको समझ में आया फ्लो चार्ट? आपको फ्लो चार्ट समझ में आया क्या? हाँ सर। सभी को? हाँ, सर। बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा? रुतिका, अनामिका, कोमल, अच्छे से समझ में आ गया फ्लो चार्ट? पिक भेजिए। हाँ, बाद में डोंट वरी बेटा, मैं पिक भेज दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। आप लिखो मत इसको, मैं पिक भेज दूंगा, तब आप जाके उसको पूरा कर ले लो। तो देखो, यहाँ हमने केमिकल रिवॉल्यूशन अप्लाई की, तो हमको फाइनलाइज क्या हुआ कि हमारा जो फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट जो लिविंग सेल था वो कहाँ पर प्रेजेंट या कहाँ पर फाउंडेशन हुआ उसका, तो कहाँ पर, इनसाइड द वाटर। इसमें हुआ इनसाइड द वाटर, तो ऐसे माना जाता है कि जो हमारी लिविंग जर्नी जो स्टार्ट हुई थी ना, यानी कि इवोल्यूशन की जर्नी, तो वाटर में ही। हाँ, हो सकता है वो अमीबा का फर्स्ट सेल हुआ होगा, या पैरामेशियम हो सकता है, युग्लिना हो सकता है, कोई अगर बैक्टीरिया भी हो सकता है, तो जो उसका सेल जो बना था वो किस में फॉर्मेशन हुआ, तो वाटर में, किसमें फॉर्मेशन हुआ, तो उसका वाटर में, तो ऐसे माना जाता है। तो ऐसा हमारा ये था। अगर आपने थेराटिकली अगर नहीं भी पढ़ा है, थेराटिकली अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा है, तो आप इस फ्लो चार्ट की मदद से भी आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैंने अच्छे से आपको ये वाला फ्लो चार्ट दे दिया है, आप उसका जरूर फायदा उठाओ। ठीक है, क्वेश्चन आता है 3 से 4 मार्क्स के लिए, एक्सप्लेन केमिकल इवोल्यूशन सप्लाई। तो आपको पूरे पूरे के पूरे जो 9 जो हमने जी तक पॉइंट पढ़े हैं ना, वो पूरे के पूरे पॉइंट लिखने हैं। तो अगर आपको अच्छे से अगर याद नहीं आ रहे पॉइंट को सिर्फ याद कर लो, आप रट लो उस पॉइंट को और यहाँ तक अपने मन से लिख लो, वहां पर आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है क्या? अरे पापा, हाँ या ना? हाँ सर। रुतिका, समझ में आ गया ये वाला इतना? हाँ सर। देख,
तो चलो यहाँ हमारा केमिकल इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी खत्म हो जाता है। तो देखो हम अब चलते हैं इसकी तरफ, इसका इसके भी मैं पिक भेज दूंगा, डोंट वरी। चलो हाँ, तो ये जो पहले जो केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ थी वो कहाँ पर हुई थी? इन नेचर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नेचर में हुई थी। कि आपने करवा दी थी, यस कल्याणी तूने करवा दी थी क्या ये थ्योरी? कल्याणी है कि नहीं? कौन सी सर? ए वाली जो अभी तक हम पढ़े थे, केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, तूने कर दिया था क्या उसको? दो पत्थर को टकरा दिया था, तूने किया था क्या? मैंने किया था। हाँ, मैंने किया था। कि नेचर ने किया था? मैंने किया था। अच्छा ओके, उसका क्रेडिट तुझे जाना चाहिए फिर, है ना? तो देखो अब हमको क्या पढ़ना है, जो ये हमारी केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ थी जो नेचर के प्रेजेंस में हुई थी, क्या सच्ची में ऐसे ही घटना हुई थी? क्या सच्ची में ऐसे ही हुआ था कि लाइफ जो हमारी थी वो कुछ केमिकल कंपोनेंट्स या कुछ ऐसे चीजों की वजह से हमारे वाटर में आई थी? क्या सच्ची में वैसे ही घटना हुई थी? हाँ हुआ था या नहीं था, हम क्या मानते हैं? सबूत मानते हैं। क्या मानते हैं? सबूत मानते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट दिख रहा होगा जिसका नाम है यूरी एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट। क्या दिया है? यूरी एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हमको फाइनलाइज पता चला था कि हाँ, कि हाँ जो हमारी लाइफ जो इवॉल्व हुई थी कहां पर हुई थी? वाटर में ही हुई। कौन से एक्सपेरिमेंट से? यूरी एंड मिलर एक्सपेरिमेंट से। अभी मैंने जो बात बोली वो आपको समझ में आई या एक कान से चली गई और दूसरे कान से निकल गई? आई सर। देखो जो पहले जो घटना हुई थी, जो हमने अभी तक नाइन या जो जी तक जो भी पॉइंट पढ़े थे या अभी जो फ्लोचार्ट पढ़ा था, तो वो सब चीजें क्या सच्ची में ऐसे ही हुआ था, उसको हमको क्या करना है? एक्सपेरिमेंटली क्या करना है? उसको समझना है। तो हाँ, जब ये एक्सपेरिमेंट जो किन्होंने दिया था, यूरी एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से क्या चल गया था, हमको फाइनलाइज हुआ था, हमको सबूत मिल गया था कि हाँ हमारी लाइफ जो किससे इवॉल्व हुई थी, किससे इवॉल्व, किसमें इवॉल्व हुई थी? वाटर में ही इवॉल्व हुई थी। तो चलो इसको समझना है फिर आपको, समझना है क्या? अरे समझना है कि नहीं? समझना है कि नहीं एक बोल दो, नहीं तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ओए बच्चों। खोकलो ना फिर, खोकलो ना, क्यों अंदर खोखला दबा रहे हो? खोकलो। हाँ चलो, सबसे पहले क्या सर, आप भी खोखलेंगे कैसे? बोलो बोल। यूरी एंड मिलर एक्सपेरिमेंट, हमको क्या देखना है? यूरी एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। तो देखो यहाँ पर आपको एक मिलर नाम दिख रहा होगा, एक जो मिलर्स नाम दिख रहा है, तो मिलर्स क्या है? एक स्टूडेंट है। क्या है? स्टूडेंट है जो यूएस यूनिवर्सिटी का है। यूएस यूनिवर्सिटी का है ये जो एक स्टूडेंट है। कौन है? मिलर एक स्टूडेंट है और उसके टीचर, उसके टीचर कौन है? तो ये यूरी है। कौन है? उरी है। तो टीचर एंड स्टूडेंट्स ने दोनों ने अब मिलाकर एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने अपने उन्होंने खुद किया है, तो उन्होंने अपने खुद का ही नाम दे दिया, तो उसको नाम दिया था उरी एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट। तो यूरी थे कौन थे? एक प्रोफेसर या टीचर थे, और मिलर्स कौन था? उनका स्टूडेंट था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने प्रपोज किया था, तो ईयर कौन से ईयर में किया था? 1953 में। तो आप मुझे बता सकते हो आपने इस ईयर को और कहां सुना है? कहाँ सुना होगा? अगर आपकी मेमोरी अगर स्ट्रांग है तो आप मुझे बता सकते हैं 1953 हमने कहाँ पर सुना होगा? कोई बता सकता है क्या सर? 1953 ईयर आपने कहाँ पर सुना है? कहाँ पर सुना है? कुछ आइडिया? क्योंकि हम स्टडी ही नहीं करते सर, हमको पता है जैसे इस साल के 12th की बैच के एग्जाम नहीं हुए तो वैसे हमारे भी होने नहीं सर, वैसा कुछ नहीं है। हाँ वैसा ही है, सब पता है मुझे।
अरे मुझे पता है ना, मुझे पता है, तो फिर बता आपको कैसे पता, हम पढ़ते ना। हाँ नहीं नहीं सब पता है मुझे, मैं अंतर्यामी हूँ। बताओ सर क्वेश्चन बताओ। हाँ ए जो इन्होंने यूरी एंड मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था 1953 में, तो इस 1953 को और आपने किस चीज में सुना है इस ईयर को? वाटसन एंड क्रिक में जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रपोज किया था। यस राइट, इसमें सुना है वाटसन एंड क्रिक, जहां पर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो हमने पढ़ा था उसमें भी एक क्या था ईयर सेम ही था 1953 ईयर। क्लियर आप था कि नहीं गोष्ठी ची फटकनी? हाँ सर। चलो हे कल्याणी गोष्ठी ची फटकनी है, चलो हाँ तो देखो एक एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करो। ऐसा मत बोलो सर, मैं एक भी आंसर नहीं दूंगी आगे से। चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। तो देखो सबसे पहले जो एक्सप्लोजन हुआ था, तो उस टाइम जब हमने टाइटेनिक एक्सप्लोजन देखा था, उस टाइम टेम्परेचर हॉट था कि कूल था? हॉट, बहुत ही ज्यादा गर्म था। कैसे था? हॉट था। तो सेम फंडा इन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया है, बर्नर से क्या किया, इस ट्यूब को बोलते हैं यू शेप ट्यूब। क्या बोलते हैं? यू शेप, यू शेप ट्यूब। जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया किस ट्यूब में किया, तो यू शेप ट्यूब में किया। तो देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक आपको बबल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा, उसमें उन्होंने क्या कर दिया, वाटर को रखा। क्या किया? वाटर को रखा, और उसने क्या, उन्होंने क्या कर दिया, बर्नर स्टार्ट करके उस वाटर को क्या किया, बॉइल किया। क्या किया? बॉइल किया। तो आप मुझे बता, जब वाटर बॉइल होगा तो उसके वेपर्स बनेंगे ना, बनेंगे कि नहीं, बनेंगे कि नहीं रे? बनेंगे। हाँ वाटर्स के वेपर बनते हैं ना, जब आप पतीले पे आप गैस के ऊपर अगर एयर रख देते हो और उसमें पानी रख देते हो, अगर वो आप स्टीम देखती है ना आपको। हाँ तो बर्नर चालू कर दिया, तो बर्नर से उन्होंने क्या किया, इस वाटर को बॉइल किया। क्या किया? बर्नर को बॉइल किया, सॉरी उस वाटर को क्या किया, बॉइल किया। तो उससे क्या बन गए हमारे, वाटर वेपर्स बन गए। क्या बन गए? वाटर वेपर्स। तो देखो यहाँ पर ये जो सिचुएशन दिख रही है ना, ये क्या है, ड्रॉपर है। क्या है? ड्रॉपर। इस ड्रॉपर के थ्रू उन्होंने क्या किया, वाटर को अंदर इंसर्ट करते गए, वाटर अंदर इंसर्ट करते गए। तो देखो आपने सुना होगा, अगर वाटर को आप जब भी करते हो, बॉइल करते हो, तो अगर आपने उसको खुले में छोड़ दिया तो कुछ समय बाद देखोगे आप, तो वो वाटर की लेवल जो होती है कम होती है, होती है ना, होती है कि नहीं? हाँ क्यों होती है वाटर की लेवल कम? हाँ ओ लड़कियों, आप खाना नहीं करते क्या, घर में पकाते नहीं क्या, कि मम्मी पकाती आपकी? ओ गर्ल्स लोग बोलो ना, क्यों होती है उसकी लेवल कम? यस कोमल, मेरे अच्छे से आपका आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं तो आ रही सर। फिर बताओ सर, वो वाटर इवेपोरेट होता है इसलिए लेयर कम होती है। हाँ क्या होता है, वाटर इवेपोरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? वाटर का इवेपोरेशन हो जाता है, तब जाके वाटर की लेवल क्या होती है, कम होती है। तो उस यहाँ पर क्यों ये यहाँ पर पंप रख दिया है, क्योंकि उस वाटर की अगर उसको इवेपोरेट करे तो उस वाटर की लेवल कम ना हो, उस वाटर की लेवल कम ना हो, क्योंकि हमको पता है जब बॉइल होता है वाटर, तो उससे इवापोरेशन से वाटर की लेवल कम होती है। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, पंप को अटैच किया, और जैसे जैसे वहां पर वाटर उसकी लेवल कम हो जाती है, तो वो क्या कर देगा, फुलफिल कर देगा। तो इसका ये फंक्शन था। तो आप देखो ये बॉइल हुआ तो यहाँ से क्या बन गए हमारे, वाटर वेपर्स बन गए। क्या बन गए? वाटर वेपर्स। यहाँ से वाटर वेपर्स कहाँ पर चले जाएंगे, इस ट्यूब से होकर गुजरेंगे। यहाँ पर आपको टू वैक्यूम पंप देखा होगा। क्या देखा होगा? टू वैक्यूम पंप। तो वैक्यूम पंप आपको पता है क्या, वैक्यूम पंप जो होता है उसका नेचर क्या होता है, वो हॉट एंड कूल एयर को प्रोवाइड करता है ना वैक्यूम। हाँ तो ये क्या करेगा, यहाँ पर से जो गरम गरम यानी कि बाप बनेगी उसको एक तो बाहर छोड़ेगा, या बाहर की आपको जो हमारी कूलेस्ट वाप होती है उसको क्या करेगा,
अंदर लेके आएगा, क्योंकि हमको क्या करना है, वेपर्स के ड्रॉपलेट्स को तैयार करना है. क्या करना है? वेपर्स के ड्रॉपलेट्स को. तब यहां से होकर हमारे क्या गुजरेंगे? वाटर वेपर्स गुजरेंगे. तो कहां चले आएंगे? इस बड़े बल्ब में, इस बड़े बल्ब में चले आएंगे. तो अब देखो, यहां पर आपको बहुत सारे क्या दिख रही है? गैसेस दिख रही है. दिख रही है ना गैसेस? दिख रही कि नहीं? गैसेस है इस बाउल के अंदर, इस बगल के अंदर बहुत सारी गैसेस है, जिसमें हमारा क्या है, मीथेन है, अमोनिया है, और क्या है, H3O. क्या होता है H3O? क्या होता है? क्या होता है? नाइट्रेट होता है क्या? क्या होता है रे? केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो ना आप? क्या होता है कृतिका? क्या होता है रे? H3O. हाइड्रोनियम. हाइड्रोनियम, हाँ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. थ्री मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और वाटर H2. ऐसे कुछ गैसेस थी जो हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट थी. एटमॉस्फेयर पे नाइट्रेट भी था, नाइट्रोजन भी था वहां पर, और क्या थे, कार्बन, बहुत सारे ऐसे लोएस्ट यानी कि लो क्वालिटी के गैसेस भी थे जो जहां से क्लाउड बन गया. तो ऐसे गैसेस यहाँ पर फिलअप की गई थी, जिसमें इस गैसेस के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स भी डाले गए थे, पॉजिटिव एंड निगेटिव इलेक्ट्रोड्स. इस इलेक्ट्रोड्स का क्या फंक्शन था? कि वो क्या कर सके? स्पार्किंग कर सके. जैसे हमने देखा था एक्सप्लोजन, दो पत्थरों का मिला यानी कि टुकड़ा देखा था, जहां से एक्सप्लोजन हुआ था, बहुत बड़ा ये हुआ था. क्या हुआ था? स्पार्क हुआ था. सेम स्पार्क वाली सिचुएशन कौन देने का काम कर रहे थे? इलेक्ट्रोड्स दे रहे थे. इसके थे कार्बन के इलेक्ट्रोड्स थे. यहां तक समझ में आ गया? हाँ. तो देखो, आपको यहां पर कुछ ऐसा ये दिख रहा होगा, मैंने यहां पर कलर से किया है. तो ये क्या है? ब्लास्ट स्पार्किंग. क्या है? स्पार्किंग. तो उसको बोलते हैं कार्बन स्पार्क. ये जो इलेक्ट्रोड है किसके है? कार्बन के है. तो ये इलेक्ट्रोड्स क्या करेंगे? स्पार्किंग करेंगे. जो एक्सप्लोजन, जो हमने जो टाइटेनिक एक्सप्लोजन देखा था, तो उस तरह का ये वर्क करेंगे. क्या करेंगे? वर्क करेंगे. तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे गैसेस भी फुलफिल है. अब देखो, हमारा वाटर वेपर्स कहाँ पर आ गए? यहाँ पर आ गए, जो किससे मिक्सअप हो जाएंगे, किससे मिक्सअप